नोएडा में आज दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर में ट्रायल विस्फोट किया जाएगा, और ये तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर ट्रायल विस्फोट 2:30 बजे के लगभग किया जाना है। और जो बारूद लगाने का काम है वो शुरू कर दिया गया था, पहली और 13वीं मंजिल पर लगातार बारूद लगाया जा रहा था। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस ट्विन टावर के बाहर डेंजर जोन और ब्लास्टिंग एरिया के जो बोर्ड्स हैं वो लगा दिए गए हैं। विध्वंस स्थल खतरा है यहाँ पर, और साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से भी खास इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं। और नोएडा में ट्विन टावर में 4 घंटे से लगातार बारूद लगाया जा रहा है। तो नोएडा से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, और नोएडा में ही हमारे संवाददाता मुनेंद्र ने एडीजीपी से खास बातचीत की है, वो भी आपको हम सुनाते हैं। अभी हमारे साथ है एडीजीपी इले मरंजी सेंट्रल नोएडा सर, तो उनसे हम इस ब्लास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, किस टाइप की तैयारियां हैं और पुलिस की क्या तैयारियां यहाँ पर हैं लोगों को बचाने के लिए, किसी ऐसी अप्रिय घटना से बचाव के लिए। तो सर थोड़ा सा प्लीज बताएं कि ये जो भी आज की तैयारियां हैं किस तरीके से पुलिस यहाँ पर तैयारी कर रही है। आज वो टेस्ट ब्लास्ट हो रहा है, इसलिए पुलिस ने पूरा लैंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए लगभग 70-80 पुलिस पर्सनल का डिप्लाई किया है। जी सर, उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस भी है, कई पॉइंटों पे ट्रैफिक डाइवर्शन किया है। उसी ब्लास्ट साइट का बिल्कुल सामने एक रोड है, उसको कंप्लीट बंद भी किया है। सर जैसे ये सर्विस रोड चल रही है तो इसको बंद नहीं किया जाएगा या फिर इसको ही बंद किया जाएगा? हाँ, आज इसमें ट्रेल ब्लास्ट में इस सर्विस रोड और एक्सप्रेस वे का कोई बंद नहीं चला जाएगा। अगर सर्विस रोड और एक्सप्रेस वे चलता रहेगा जब, क्योंकि ट्रायल ब्लास्ट है, तो सर ऐसी कोई अप्रिय घटना के चांसेस हैं इससे या फिर ये कुछ? ये ट्रेल ब्लास्ट है, इसमें एक्सप्लोसिव बहुत कम यूज़ हो रहा है, इसलिए कोई इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं रहेगा, इसलिए बहुत कम से कम ट्रैफिक डाइवर्शन किया, बाकी नॉर्मल ट्रैफिक फ्लो रहेगा। नॉर्मल तो ट्रैफिक फ्लो रहेगा सर, तो मतलब अभी जैसे 2:30 बजे का टाइमिंग है, 2:30 बजे दो ये ब्लास्ट किया जाएगा, उसके केंद्र पहले लोगों की आवाजाही बंद कर दी जाएगी? 2:30 बजे ब्लास्ट का समय है, उसको आधा घंटे पहले कंप्लीट वो ट्रैफिक उसी पर्टिकुलर रोड में बंद रहेगा, बाकी अगल बगल बिल्डिंग का लोग है वो अंदर इंडोर रहेंगे। जी, जैसे भी सोसाइटीज में दिख रहे हैं लोग निकलते हुए आते जाते हुए, तो कहा गया कि कोई अलार्म बजाया जाएगा उसके बाद ये लोग अंदर होंगे, उससे पहले इनको अंदर कर दिया जाएगा? 2:30 बजे सबको जानकारी है, हम लोग सबको कल से एक अवेयरनेस क्रिएट किया है, जब समय आता है सभी लोग इंडोर रहेंगे आप वहाँ। जी, तो आगे सर जो 22 मई को जो बिल्डिंग ब्लास्ट की जाएगी उस समय भी तैयारियाँ ऐसी रहेंगी या उसमें कुछ चेंजेस रहेगा? आज ट्रायल ब्लास्ट के बाद उसको स्टडी करेंगे, टेक्निकल टीम करेंगे, फिर डिस्कशन करके उसी हिसाब से आगे प्लान कर देंगे। 22 अभी हमारे साथ है एडीसीपी इले मरंजी सेंटर से, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहाँ पर 2:30 बजे ट्रायल ब्लास्ट यहाँ पर किया जाएगा ट्विन टावर्स में, और बारूद लगाने का जो काम है वो लगभग पूरा होने को है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्लास्टिंग एरिया और डेंजर जोन के जो बोर्ड्स हैं वो पहले से ही यहाँ पर लगा दिए गए हैं, ताकि जो लोग हैं वो इस एरिया में ना दाखिल हों, और खतरा है, प्रवेश निषेध है, इस तरह की यहाँ पर चेतावनियाँ आप देख पा रहे हैं। तो नोएडा से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, बेसमेंट में लगातार बारूद लगाने का काम अभी जारी है, और 2:30 बजे के लगभग यहाँ पर ट्विन टावर में ट्रायल ब्लास्ट किया जाएगा। नोएडा से खबर तो बताया जा रहा है कि 2:30 बजे में बस कुछ मिनटों का वक्त ही बाकी रह गया है, यानी अब से कुछ देर बाद ही इस बहुमंजिला इमारत इस ट्विन टावर में ट्रायल ब्लास्ट किया जाएगा। नोएडा से तस्वीर, बेसमेंट में लगातार बारूद लगाने का काम जो है वो जारी है, और नोएडा से यह तस्वीर आपको हम बता दिखा रहे हैं जहां पर थोड़ी ही देर में ट्रायल ब्लास्ट किया जाएगा, और 13वें फ्लोर पर लगातार बारूद लगाया गया है पहले, और 13वें फ्लोर पर बारूद लगाने का काम जो है वो लगातार चल रहा था, सुरक्षा के लिहाज से खास इंतजाम यहां पर नजर आ रहे हैं।